next guest has actually never gone to a, a college as a day scholar. Uh, started working very, very early full time, you know, from the age of 17, 18, you know, right after 12th grade, um, you know, got out of his home city. Please welcome uh, Nab Gupta, uh, you know, onto the stage, please. He's, uh, he's a consummate media and marketing professional now for over a decade before that, he was working with Genpact, currently works with Amazon, uh, has been clued into India's social media for the last five years or so. Uh, so yeah, I'm really looking forward to this conversation. Welcome, Nab. Thank you, Ankit. Uh, I must say before I start, I also know him really well as a friend. So so many kind words, emotion both. Uh, <laughs> emotional feel around, Ankit. बट थैंक यू फॉर द वॉम वेलकम एंड आई एम वेरी एक्साइटेड मुझे जनरली लाइफ में मेरा कोर इज़ टू रिमेन रेलिवेंट टू द बिगेस्ट डिसाइडिंग फैक्टर इन आर कंट्री विच इज़ आर यंग अडल्ट आई डोंट लाइक द वर्ड यूथ बिकॉज वायरल और यूथ दो वर्ड है जो मेरी ऑक्यूपेशन में बहुत थ्रो होते हैं बट द यंगडल्ट ऑफ आर कंट्री फॉर सेवरल रियलिस्टिक इकनॉमिकल कल्चरल रीजन्स आर

वेटी मच डिसाइड कर लेता था कि अक्ड़ बक्कड़ बम्बे वो साइंस इज़ वॉट यू लैंड विद एंड इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस और इंजीनियरिंग और डॉक्टरी में समझ आया था कि एलेवंथ और ट्वेल्थ में स्कूल में हमने देखा था कि फ्रॉग व्रॉग का डायसेक्शन होता था वो हिम्मत थी नहीं तो हमने बोला इंजीनियरिंग की बची है सो देयर फॉर इंजीनियरिंग करनी है एंड एलेवंथ वॉज डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ इंजीनियरिंग काफ़ी रात काली की सुबह सी बी एस सी रात को इंजीनियरिंग की पढ़ाई एंड ट्वेल्थ एंड आई थिंक इट्स अ लिटिल sad back story but i think every uh, wrong decision and sad story gives you in t a lot of leverage eventually abhi feel but uh, in 12th i had uh, a very bad case of hepatitis and um, you know pneumonia and whatever. i was 3 months hospitalized and uh, my school was very much a fan you know because i was also uh, i represented delhi Uh, in state volleyball. So I was वॉज अ एविड प्लेयर volleyball for बॉल years. So school सो में काफ़ी leverage था कि पढ़ाकू बच्चा भी है sports में भी है तो मतलब इसका life ख़राब नहीं करेंगे तो उन्होंने बोला बेटा तीन महीने तुम बारहवीं में हो science के student हो तो इस साल तो मत ही दो एक्षाम. And uh, I think like like Ankit like, 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 said uh, कुछ चीज़ें अपने बारे में जितना जल्दी all of us individually embrace कर लें वो उतना बहुत सारे decisions आसान हो जाते हैं और दो चीज़ें बहुत clear थी That my father always told me, which and I am from old Delhi originally. I mean, now I've been in Bombay for 11 years, so I'm and here But uh, originally, I am from Delhi. Uh, I will always be about Delhi food is the best. But that is for a later discussion, I guess. Um, but the point was that I didn't. I knew I didn't have the luxury of dropping a year, and so I also knew that I have lost a serious advantage of three months in terms of studying time, everything right, preparation. सो ऐसे एग्जाम्स तो देंगे साइंस के स्टूडेंट तो अभी कॉमर्स तो नहीं अटैम्प्ट कर सकते बट ये भी क्लियर था कि रियलिस्टिक शॉट नहीं है इंजीनियरिंग पे इस साल तो नहीं है और ड्रॉप आउट का डिसीजन लेंगे सो आई थिंक फ्रॉम देर इट वॉज अ वेरी क्लियर डिसीजन दैट इवन देन देर वॉज नथिंग वॉज एन अल्टरनेट पाथ बट आई डिसाइड बट आई फिगर्ड फॉर माई सेल्फ दैट टू रियालिटीज़ वन आई डेंट हैव टाइम एंड सेकेंड माई फादर सेट दैट बिकॉज आई एव फोन ओल्ड डेली माई इको सिस्टम वॉज मतलब वो ग्लोरिफाइड नहीं बट डेली सिक्स वर्जन वॉज नेपोटिज्म का गद्दी या तो दुकान पे गद्दी है या फैक्ट्री पे गद्दी है बेसिकली कोई ना कोई फैमिली रन बिजनेस था जो मेरे मेरी फैमिली में नहीं था मेरे लिए नहीं था सो दैट वाज द वन थिंग आई वाज ऑलवेज टोल्ड पोलाइटली बाय माय फादर टू से यू नो यू आर हियर टू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स राइट एज एवरी पेरेंट विल डू इन दियर कैपैसिटी बट दे पोलाइटली सेट बेटा कोई गद्दी नहीं है सो दैट वॉज द सेकेंड रियलिटी दैट इवन दो आई मे हैव द लग्जरी ऑफ की एक साल ड्रॉप कर कर लेंगे या आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम uh, कैट की एंट्रेंस एक सर्टेन फीस होती थी आई एस लाख का था uh, and those were very very big figures which i did not even think was a real ask, कि मैं mai आपको प्रेशर में नहीं डाल सकता क्योंकि यू नो वी ऑल नो our पेरेंट्स दे would डू whatever एवर लाइक इफ यू वॉट टू गो वो आज घर भी गिर भी रख देंगे बट देन यू कैन बी स्मार्ट अनफ टू नॉट पुट दैम ऑन दट राइट सो आई वॉज वेरी क्लियर ये दो चीजें नहीं हैं टाइम नहीं है अपने पास टू uh, ड्रॉप और दूसरा चीज़ पैसा नहीं है अपने पास uh, तो करना तो खुद ही है डी आई वाई लाइफ सो आई थिंक फ्रॉम देर ऑनवर्ड्स द वन थिंग आई डिसाइडेड दैट आई एम गोन टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड एज मच एज आई कैन अबाउट करियर क्या क्या होते हैं बिकॉज मुझे रिलाइज हो गया ग्यारहवीं बारहवीं में दो ही लोग मिले या तो जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या डॉक्टर कर रहे हैं पर दुनिया में बहुत सारे और भी लोग हैं तो कहीं से तो शुरुआत करते होंगे एंड एट दैट टाइम एजुकेशन टाइम्स न्यूज़ पेपर यूज़ टू बी दर्श इट एजुकेशन टाइम्स वॉज एवरीथिंग एंड आई थिंक सिमिलर टू दिस फोरम प्रवीण मैं उनका लास्ट नेम बोल रहा हूँ शी वॉज द एडिटर शी स्टिल इज आई थिंक द एडिटर ऑफ एजुकेशन टाइम्स इवन दो द पेपर हैज़ बी रिड्यूस्ड बट शी वॉज लाइक द अथॉरिटी कंसिडर द अथॉरिटी टू नो कि करियर क्या क्या होते हैं इंडिया में वर्ल्ड में वो हैं जो आपको बता सकती हैं राइट एंड एंड शी वॉज द एडिटर ऑफ द पेपर एंड इट वज नॉट इजी मीटिंग हर इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक यू हैड टू स्कोर अ चांस टू मीट हर मनी असाइड दैट वॉज ओके लाइक दैट आई थॉट वो सात आठ हज़ार थे उस टाइम भी उनको मिलने के एक घंटे के एंड आई कन्विंस माई पेरेंट्स कि आठ हज़ार इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये यू नो अगेन बिकॉज आई कम फ्रॉम ओल्ड आई और जनपत्री में बहुत विश्वास रखती है दुनिया हमारा भारत मैंने बोला ये फ्यूचर का जन्मपत्री इनके पास है तो जाना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे एंड आई थिंक दट दैट वॉज एंड विच इज वाई आई थिंक समथिंग लाइक दिस इज अ फोरम इज इनक्रेडिबल बिकॉज वॉट यू माइट गेन आउट ऑफ सच कॉन्वर्सेशन वैन यू और मीटिंग सर्टन पीपल और वॉट दीज फोरम्स प्रोवाइड यू हैव नो आइडिया हाउ विल डिसपोर्शनेटली लिटली चेंज योर फ्यूचर इन इट्स बिकॉज इवेंचुअली एवरी डे क्या अगला चूज कर रहे हैं उसके ऊपर अगली लाइफ की पटरी डिसाइड होती है राइट एंड सो मी सो एंड आई 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 फील दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर एंड आई एम गोइंग स्लाइटली बैक ट्रैक दैट मीटिंग ऑफ एट यू नो वन आर टू मीट टू मीट दैट एडिटर एंड शी इंट्रोड्यूसिंग मी टू समथिंग कॉल लर्न वाई लू ओन विच जस्ट ब्लू माई माइंड आई एम सेवेंटीन रोल्ड बाय देस आई आर वर्किंग एट सेवनटीन नॉट एटीन मेरी पहली पाँच महीने की सैलरी मेरे पापा मम्मी के अकाउंट में गई थी बिकॉज लीगली आई कुड नॉट ओपन अ बैंक अकाउंट लर्न वाई यू अर्न वॉज स्टार्टेड बाय जी कैपिटल देन एज लिटली अन इंटरनेशनली न्यू फॉर्मैट वेयर दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू अट्रैक्ट यंग टैलेंट बट दे सेड कि तुम तीन दिन काम करोगे uh, हमारे पास फ्राइडे सैटरडे संडे और तीन दिन तुम्हें हम पढ़ाई के लिए भेजेंगे कैच ये कि पढ़ाई हम स्पॉन्सर करेंगे मैं तो वहीं भी किया था अज लाइक like, आप पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हो डन सैलरी भी दोगे डन

That time just not understood by anyone including you know my parents at some point सम पॉइंट एट सम लेवल बट इतना मुझे clear था मैंने बोला अरे पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं मतलब और क्या चाहिए तीन साल मैं कॉलेज जाऊँगा या वो खर्चा उठा रहे हैं So that just made a lot of sense, right? Again and sometimes like I was saying earlier, अगर आपको कुछ ट्रूथ अपने बारे में पता है तो डिसीजन बहुत ईजी हो जाते हैं नहीं तो यू keep contemplating ये करूँ कि वो करूँ आई स्टार्ट वर्किंग वन आई आज सेवेंटीन एंड या आई मीन इट वॉज नाव कॉल्ड जनपैक्ट देन इट वॉज कॉल्ड जी कैपिटल एंड देन आई रिसर्च अबाउट इट एंड आई रिलाइज इट इज़ लिटली वर्ल्ड वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपरेट्स सो एंड देन दैट डे आई मेड अ फिलोसफी विच आई फॉलो टिल डे एंड आई होप टू फॉलो इट फॉर एवर इज़ दैट एनी वेयर यू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे तुमको डिसप्रपोर्शनेट लर्निंग होने वाली है और अपने आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते राइट right? अपने बारे में पता है कि इंटरव्यू और रिज्यूम्यू में कितना भी ज्ञान चिपका दो अपने आप को तो पता है ना भाई कितने पानी में राइट एंड सो देयर फॉर अगर लग रहा है कि जी कैपिटल जो अदरवाइज़ बाकी लोग यहाँ आई एम और आई और बहुत पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं आपको कंपनी में घुसने का मौका मिल रहा है आई रियलाइज है यहाँ पे कुछ सीखने को तो मिलेगा और वो पैसा भी देने वाले हैं सो आई थिंक दैट बिकेम अ बिग लाइक अ थम रूल फॉर मी दैट एनी इन माई करियर वैन आई फाइंड एट वॉट स्टेज इट मे बी इवन टूडे इफ आई फाइंड द नेक्स्ट रोल और एन ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू गिव मी डिसपोस्टेड लर्निंग विद लॉजिकल सेंस की पैसा कम नहीं कर रहे भड़ी रहा है कुछ आई विल गो फॉर इट and that was like you know one of the key decisions that for me GE capital was my real alma mater in that sense because uh, and you know i can probably speak a little more but just the when you are 17 and a half and you enter a office as a old delhi kid and some of you might have some sense on what that means some of you might not if you are from small town old delhi is just basically a code word for any small town i mean, it is delhi, but not really delhi, right? there's a very purana style of thinking and functioning and very joint family and everything is very cultural, right? and all of that. so uh, from that background to entering where you see working women and working people equally and, you know, just american english thrown at you, even though you believe you english medium school, cutting edge, but you are not able to make sense of half of the things being said. i think that, that uh, environment is, when you feel challenged, that's when learning is happening. that's the other thing. अगर कहीं पे भी कंफर्टेबल फील हो रहा था तो वहाँ लर्निंग तो नहीं हो रही अनकंफर्टेबल हो तो कुछ नया सीख रहे हो एंड आई थिंक दैट वाज लाइक रियली अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेइंग कॉलेज ठीक है अब यही करेंगे आई थिंक नब इज़ अनदर ड्रीम गेस्ट फॉर अस बिकॉज ही मेड दिस पॉइंट अबाउट दैट वन आर दैट इज स्पेंड विद करियर काउंसिलर एंड आई थिंक आई मीन इफ यू गो गोवेंट आस्क दे गो गोवेंट आस्क अंकिता फ्रॉम आर टीम दिल टेल यू दैट देर आर काउंटलेस Similar kind of stories of people who have you know, taken sessions with Altuni. Uh, we have a product called Council now, we have a product called Club Altuni, where people have taken those sessions and it's changed their decision making framework and actual decisions in such a way that it's led to like an X to 10X kind of a difference in you know, what they are doing right now. So, you are now at Genpact and you're doing this. My big question is uh, what did you feel with all your schoolmates?

As a old Delhi kid, Kamla Nagar, which is the North Campus. So I don't know if, how many of you know Delhi University. I truly believe that is the only real university in terms of bachelors that exists because it's a campus of 20 colleges together, and you have a roughly 7-8 kilometer area is literally students' home hometown. Hai. Matlab you feel you enter, you will just see students, I and mean, it's not like. बॉम्बे में क्या है दो कॉलेज यहाँ जगह मिल गई दो वहाँ बना लिए दो वहाँ बना लिए तो आप कभी इकट्ठे नहीं हो पाते हो राइट डेली यूनिवर्सिटी इज रियोली नॉर्थ कैंपस इज लाइक इट्स अ प्लेस टू एक्सपीरियंस लाइक जनवनली अगर लाइफ में चांस मिले दिल्ली जाके कभी नॉर्थ कैंपस में एक दिन बिताओ सो यू विल फील कि कैंपस क्या होता है लाइक मूवीज़ में दिखाते हैं ना जहाँ पे सरकार स्टूडेंट्स की चल रही है एक छोटा सा एरिया है बट वहाँ स्टूडेंट्स का एरिया है एंड आई हैव ग्रू अप नेक्स्ट टू दैट प्लेस तो कमला नगर एंड ओल्ड डेली नेक्स्ट टू इच अदर सो वन थिंग आई न्यू कि यार मतलब कॉलेज जाने को नहीं मिल रहा तो मतलब एज अ ट्वेंटी एटी नाइनटीन ए रोड एज लाइक बॉस्ट लाइफ में कुछ भी करने को नहीं मिल रहा है राइट मतलब देर इज ऑल दो अदर इम्पॉर्टेंट टू डू लिस्ट ऑफ डेटिंग एंड हैविंग फाइनेशियलिंग एंड पार्टिंग राइट वो कहाँ होगा एंड सो दट वॉज डेफिनेटली एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कि यार ऑफिस तो जा रहे हैं ये अच्छा है बट दूसरा डिस प्रपोर्शनर एडवाटेज था कि जहाँ पे सारे बच्चे माँ बाप से डेली सौ रुपये मांग रहे थे आई हैड साढ़े तीन हजार की सैलरी एट सेवनटीन विच वॉज इन सेन एवरेज मतलब इमेजिन करो आज अगर तुमको पचास हज़ार का पैकेज मिल जाए कॉलेज करते करते तुम्हारे दोस्त पागल हो जाएंगे भाई तेरे पास साढ़े तीन हज़ार रुपये हैं तो करेगा कहते पैसे क्या साइट सो 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 यू हैड द मनी बट नॉट द एक्सेस बट दैट्स वैन यू नो आई जस्ट फाउंड वेज टू बी इन्वॉल्व इन यू नो सम कल्चरल प्रोग्राम्स इन डेली यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स आई हैड बट दैट वॉज ऑल्सो अ वेरी कॉन्फ्लिक्ट

वो कभी दोबारा नहीं हो सकती क्योंकि उतने वनलेरेबल और उतने ऑनेस्ट जो तुम लाइफ में होते हो ना उसके बाद तो फिर करप्शन ही होनी है दिमाग में और मॉरल्स में uh, वो जो सच्चाई से दोस्तियाँ बनती हैं बैचलर्स में वो कभी दोबारा नहीं बनती एंड वर्क प्लेस वर्क प्लेस ही होता है बिकॉज आई वॉज अमंग कटिंग एज पीपल सो वी वर नो वन वाज देयर टू मेक फ्रेंड्स आई मीन वी वर चिलिंग एंड वी वर लाइकिंग ईच अदर बट नो वन वाज देयर टू मेक फ्रेंड्स राइट सो दैट इज़ अ वन पार्ट आई ट्रूली फेल्ट कि यार ये मिस आउट हो रहा है बट या आई मीन द फैक्ट दट आई वॉज अर्निंग मनी वॉज अ डिसप्रपोर्शनल एडवांटेज एंड आई कुड सी पीपीपीपीपीपल पासिंग आउट एंड स्पीकिंग अबाउट आई आई टी ये 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 कर रहे हैं आई आई एम से ये कर रहे हैं मोस्टली एक्चुअली बैचलर्स में तो इट वॉज अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग टू एस आर सी सीजीजी एंड एल एस आर एंड ऑल अ दट एंड देर आई वॉज ऑलवेज वेरी हैप्पी सिंग तुम तैयारी कर रहे हो नौकरी क्रैक करने की मैंने तो ऑलरेडी कर ली ब्रो तो मतलब मैं तो उसमें तो थोड़ा ही आगे हूँ एंड इट केपट ऑन फीलिंग लाइक अ डिसप्रपोशनल एडवांटेज इन दट फ्रंट टू से दैट आई लॉर्ड ऑफ यू आर वर्किंग टू क्रैक समथिंग लाइक जी एंड दैट्स ऑल्सो अ लॉन्ग शॉट आई ऑलरेडी क्रैक डिट Uh, and I also knew that after second year, like two years of doing this, I started realizing when I was talking to them, I started truly feeling really mature. And not just in like, you know, how you just look at work, but just life overall, right? Because you are everyday hobnobbing with A, slightly elder people. And B, like you were really in the work already, while they were just still thinking and preparing for what work will look like. And I genuinely believe that gap still remains. Uh, very few again... not just this but all the alternate courses which are being created now, which are being built backwards from काम में चाहिए क्या वो सिखाएंगे वर्सेज हम कुछ सिखा रहे हैं देखना काम आएगा कि नहीं okay. मतलब दैट मीम है ना मतलब आई डूट फॉर लिविंग तो पाथोगेस्िरम तो कितनी यूज़ आ रही है और कितनी रातें काली की हम सब ने पाथोगस्िरम याद करने के लिए कितना यूज़ आ रहा है रिज्यूमें लिखना नहीं आता ई लिखना नहीं आता था यार मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से था बहुत खतरनाक खा, फीस दी थी मेरे माँ बाप ने आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट डे आई हैड टू राइट एन ईमेल टू माय एचआर हेड टू टॉक अबाउट अ लीव आई रियलाइज स्कूल में तो जो लेटर लिखना सिखाया एट डीयर प्रिंसिपल अब वो तो फॉर्मेटी अप्ला नहीं होता है यहाँ पे लाइक हाउ डू आइट दट ई मेल सो आई थिंक दैट फेल्ड लाइक अ डिस प्रपोशनल एडवांटेज दट आई एम ऑलरेडी इन अ वर्क प्लेस एंड आई माई स्किल सेट्स वर लाइक रेलिवेंट एंड लाइक आई कैन ऑपरेट इन रियल वर्ल्ड वाइल दे आर स्टिल प्रिपेरिंग फॉर द रियल वर्ल्ड सो आई थिंट वॉज रियली एन एडवानेंज इन मेनी वे नो आई मीन इट्स अ फैसिनेटिंग साइड ऑफ द दी अदर साइड यू नो विच आई वुड से मोस्ट पीपल हु Are Watching this channel or are attending this are essentially people who do go to college. Yeah, yeah, yeah. Uh, Whereas, obviously, actually, you represent the larger part of India because most Indians actually start working after 18. Correct, correct. Uh, uh, I, I, and I think it's important for us to know it. The one question I have though here is, and, and I know that I many comment section. KR, you don't have an SRCC, IIT, IIM, whatever brand. Do you think is impeding your career right now? The fact that, you know, uh, that. The कि यार तुम्हारे brand नहीं है ठीक है चैनल so की, you know, you know, so की लोग एक्सपेक्टेशन क्या है मतलब हाउ डू आई मेक दिस रेलिवेंट फॉर हू इज योर सो दो पॉइंट है इसमें जीरो टू एट और नाइन यानी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ उस तक में बैचलर्स से क्या किया है या कहाँ से किया है अनलेस इट इज़ अगेन आई और एस आर और रियोली लाइक द टॉप नॉच अभी एडवांटेज होने लगी है जब मैं बड़ा हो रहा था उसका एडवांटेज नहीं था बैचलर्स तुम कहीं से भी कर लो नौकरी मास्टर्स पर मिलती थी अब हुआ है चार साल पहले जहाँ एस आर में बड़ी कंपनियाँ पहुँच रही हैं एवरी वन वॉन्ट्स टू गेट यंगर एंड यंगर एंड यंगर टैलेंट उस टाइम इसका फ़र्क नहीं पड़ता था और जो आई ऑफकोर्स डिड माई होम वर्क एन आई वॉन्ट टू परस्यू लाइक अ ग्लोल प्रोग्राम आई थॉट इतने साल काम करूंगा इतना बचाऊंगा फिर अपने आप घूमने जाएंगे कहीं कैनेडा वैनेडा में पढ़ाई करेंगे पैसे भी मांग नहीं है सो डेली यूनिवर्सिटी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस सेट एवरी वन सेड रिकगग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए सो आई डिड माई बी कॉम वाइल आई वॉज स्टडिंग फ्रॉम ओपन स्कूल ऑफ डेली यूनिवर्सिटी एंड दे डों केयर अबाउट ओपन स्कूल दे केयर अबाउट डेली यूनिवर्सिटी सो टिल दिस पॉइंट इट वॉज फाइन नाउ आई डू बिलीव वन आई एम वट आई एम डूइंग नाउ एंड यू नो अगेन थैंक्स टू द फैक्ट दैट India, you know, and you and I have discussed this, like bet on India, Ankit often says, you know, and and I cannot agree more. Like, I vehemently agree with, like, just bet on India because I work with and have worked with one of the cutting edge companies, you know, global companies. And I know colleagues who are leaving London office, Berlin office, uh, California office, and coming and taking projects to come and work in Bombay or Bangalore in the same company. I'm not kidding. Because they have realized that if you can stress test your career here, you यू आर बिल्डिंग योर करियर फॉर एनी वेयर पॉइंट बींग दैट नाउ एट दिस स्टेज इन स्टिल द मोर क्लीशे कंपनीज एंड आई विल नॉट नेम समर दीज कंपनीज एंड आई होल्ड अ रच बिकॉज दर इज नथिंग दैट चार्जिज यू लाइक अ रिवेंच लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट एनी टाइम यू गेट रॉन्ग्ड उस टाइम करेक्ट मत करो लेकिन मेंटल नोट या एक पोस्टेड बना लो कि जब उखाड़ेंगे तब आप आपको वापस याद करेंगे दैट रियली ड्राइव्स यू एटलीस्ट मीन आई आई एम बींग ऑनेस्ट एंड देर आर स्टिल कंपनीज वेर आई गेट यू नो आई एम लकी टू गेट बेसिज माई करंट एम्प्लॉयमेंट एंड यू नो द करियर है बिल्ट मेनी कॉल्स फ्रॉम कटिंग इट स्टार्टअप्स हु डू नॉट केयर अबाउट आपने मास्टर्स कहाँ से किए हैं नहीं किए एज इट शुड भी बिकॉज अगर सहवाग विदाउट प्रिपरेशन के भी चौक्का मारा था तो इंडियन क्रिकेट टीम में खेला ही डेंट हैव टू गो टू द वट एवर राइट एम सी ए बट द मोर क्लिशे कंपनीज स्टिल कंसिडर नाउ एम एट मिड मैनेजमेंट इफ आई मे से सो करेक्टली आई एम नॉट येट सीनियर मैनेजमेंट but if i have to pursue this corporate path it is in the cliche companies becoming a point of contention because wo mandatory requirement mein jo footnote hota hai wahan pe bolte hain prestigious mba college chahiye unko so therefore there is still merit it now again depends on aap apna career kahan envision kar rahe ho those are the kind of companies you want to work for absolutely important hai aur badlega nahi kyunki hum bharat hain हम cultural हैं, हम कुछ we we have values in some old school of thinking and most importantly कोई भी hr अपने ऊपर stress नहीं chahta कल को एम्प्लॉ आया वो काम सा नहीं निकला वो बोल सकते भाई मैं तो आई से लाया था अब मुझे क्या पता है ख़राब निकलेगा विदाउट आई का लाया तो ओनरशिप उसके ऊपर है तूने कहा था बहुत अच्छा कैंडिडेट है तो खचरा निकला सो दैट इज रियली द रिस्क मैनेजमेंट दैट दे आर अवॉइडिंग दे आर नॉट रियली लुकिंग एट योर मेरिट दे आर देट इस्किंग दे आर हायरिंग बट दैट एग्जिस्ट सो दैट इज द कैश टू इंटू दैट यू नो वी नीड टू डिसाइड फॉर आर सेल्स दैट वेर आर वी हेडिंग बट एज अ फुट नोट इंडिया में पूरी दुनिया का टैलेंट और पैसा आ रहा है आई कैन अश्योर यू आप लोगों का जो करियर स्टार्ट हो रहा है अभी स्टार्ट हुआ है अगले 30 से 50 साल या 40 साल आई कैन से इंडिया इज एंड विल रिमेन एज हॉटेस्ट प्लेस टू वर्क विद द मोस्ट कटिंग एज थिंग्स टू डू सो इवन इफ यू डिसाइड आई विल नॉट गो विद द ट्वेंटी फाइव क्लिशे कंपनीज इन बैंकिंग और एफ एम सी जी और फाइव अदर सेक्टर्स यू वििल स्टिल हैव हंड्रेड बेस्ट कंपनीज नॉट ओनली बिल्डिंग फॉर इंडिया बट बिल्डिंग फॉर द वर्ल्ड बट या द्ली कंपनीज व लास्ट फॉर यू डिग्रीज एंड इट इज इन मेनी इंटरव्यूज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन एंड आई जस वॉर्क आउट आउ दो डिस्कशन बिकॉज आई डोंट हैव No, I think we are getting there where you're saying and um, I mean, the, there is more and more acceptability. Uh, at least I can tell you that, uh, I mean, we are enabling like 30 to 40 interviews every week, you know, of all TUNY students yeah, who yeah. don't come from necessarily the best backgrounds. Correct. Uh, and there are startups who are giving them very good opportunities. So.

यू नो सेगविंग इन टू समिंग विच आई ट्रूली बिलीव इज़ द रियलिटी ऑफ इंडिया राइट नाउ देर इज़ इंडिया एंड देर इज़ भारत द नेक्स्ट बिग अपॉरचुनिटी लाइज विद भारत नॉट इंडिया एंड बाय इंडिया आई मीन द एट टॉप महानगर विद अ क्लीश एज सर्ट एंड प्रिवेलेज ऑफ मनी अलआउ ऑफ अस फ्रॉम देयर आई एम नाउ आई बिलीव फ्रॉम देयर सर्टन सेंस ऑफ मनी एंड इंग्लिश स्पीकिंग एंड लाला लाला ला ग्रोथ वहाँ नहीं है अपॉर्चुनिटी भारत में है और भारत अभी भी

What impact has it had on your life? So I think, uh, yeah. So there was a one-year master's program. IMC is Indian Institute of Mass Delhi. It's part of the JNU University as a university. Uh, it is India's most premium institute when it comes to journalism. Uh, but they also happen to have a ad and PR ka master, ek flagship program, a Um So I was with G. You know, I was finishing my fifth year. Me and one of my friends were the youngest.

a लिटिल बिट ऑफ रियलिस्टिक पीपल मैनेजमेंट बट कैट equivalent exam which एग्जाम going इज गोइंग टू डिसाइड बिकॉज फ्लोर पे way my वे job फर्स्ट जॉब वॉज कॉलिंग सो आई वॉज अ आई जॉइन जी ऑल ग्लोरी विद जी मैं मैं क्लिक कर क्या आ रहा था मैं वहाँ पे कॉल सेंटर में ज्वाइन किया था उनके कॉल सेंटर में डिफरेंस ये कि कॉर्पोरेट के कॉल सेंटर में ज्वाइन करते हो तो वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस बिल्ड करते हैं वर्सेज बहुत सारे कॉल सेंटर्स हमारे देश में जो आज भी चल रहे हैं सो माई रोल वॉज टू कलेक्ट लेट फीस और अमाउंट ड्यू फ्राम कस्टमर्स ऑफ लोज़ लॉज एक कारपेंट्री स्टोर है यू एस में विच आई एव फाइनली हैड अनफ मनी टू विजट लोज एंड ब कस्टमर देर तो लाइफ में काफ़ी ऐसा फील हुआ उखाड़ लिया कॉलिंग करते थे आप दुकान में शॉपिंग कर रहे हैं वहाँ पे बट दैट्स और अ डिफरेंट डे पॉइंट वॉज देट बेसिकली दैट एग्जाम और दैट काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस इंटरनली एंड आईम अगेन सेगविंग टू द फैक्ट दैट डोंट ओनली एवेल्यूएट कि यहाँ पे इतना पैकेज मिल रहा है चाहे वो एजेंसी है कुछ कॉपोरेट्स हैं स्टार्टअप्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो दे गिव यू ट्रू सेंस ऑन वी विल इन्वेस्ट इन योर लर्निंग लाइक इफ यू हैव अ चांस गो फॉर इट बिकॉज वेन आई टुक दैट एग्जाम एंड वैन आई बिकेम अ पीपल मैनेजर यू नो देयर एज अ वेरी यंग आई एज अ ट्वेंटी वन ईयर ओल्ड वैन यू हैव टू मैनेज चौबीस पच्चीस सत्ताईस साल के लोग दैट लर्निंग लाइक आई वॉज बाई दी दैट इज़ वैन आई गॉट प्रोमोटेड एंड आई मूव टू हैदराबाद एंड आई वॉज ट्वेंटी वन आई वॉज गिवन अ टीम ऑफ एट पीपल हु आर नाउ कॉलिंग आई एम देयर ऑपरेशनल मैनेजर I had a 28-year-old, I had a 30-year-old, you know, I had, I had a 41-year-old ma'am, I still call her ma'am. I didn't properly genuinely mooch anyway, I think. And I was like, what will I do with these really adult, mature people? Like, you know, I'm a 21-year-old. And then you realize that eventually, whenever you are in a place of leadership in life, could be here, could be your own brother-sister, could be your family. Truly, one question will take you a long way. सिर्फ सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वॉट इन इट फॉर मी वॉट कैन यू एड वैल्यू इन देयर लाइफ दट यू नो स्लाइटली बेटर एंड दैट यू डोंट नो एंड आई थिंक दैट्स वन आई रियलाइज दट वन आई डिड दैट वन ईयर इन एट हैदराबाद इट वॉज ग्रेट बट मुझे रिलाइज हुआ आफ्टर टॉकिंग टू अ लॉट लॉम देवर परसुंग एम बी एस बिकॉज कॉल सेंटर में क्या था ना सब उसको बैक एंड जॉब यूज़ करते थे तो बहुत सारे आप जैसे लोग थे कि जो एक्चुअली प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई इन बिटवीन जॉब्स है तो बेसिकली बैक फिल था बहुत लोगों के लिए सो दे वर इंटरेस्टिंग स्टोरीज सो माई डिसीजन एक्चुअली टू जॉ यू नो इवन ट्राई फॉर आई एम सी का एंट्रेंस वॉज I met one of the uh, mams ma there. She was 41. She was pursuing MBA uh, entrance for MBA, and she was telling me कि ना ये ठीक है जो मैं कर रही हूँ, but मैं तो actually इतनी creative हूँ, and मुझे यहाँ पे ना मेरा Austin नहीं मिल रहा है. Salary मिल रही है, लेकिन जो मुझे मन से करना है वो नहीं मिल रहा. है, and I didn't even know this question existed. Because I was so happy as a 21 year old, earning 22,000 rupees, living in Hyderabad without my parents, having the best time. I didn't ask saying that am I truly enjoying it? I was doing it, but am I enjoying it? एंड आई थिंक दैट क्वेश्चन रियली लेड मी टू आई एम सी 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 वेरे अगेन रियलाइज़ कि मुझे आई एम आई एम ए तो क्रैक नहीं करना है बट आई वॉन्ट टू डू पी आई दैट टाइम ऑल्सो वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन एडवर्टीजमेंट एंड पी आर एंड द एंट्रेंस वॉज देर एंड आई अटम्प्टेड एंड आई क्लियड एंड द रीजन वाई दे रियली वॉन्टेड मी बिकॉज दे एक्चुअली ओनली हैड फ्रेशर एंड आई हैड फाइव इर्ज ऑफ एक्सपीरियंस विच बिकेम ट्रूली अर डिस्प्रपोर्शनर एडवांटेज वाई इवन क्रैकिंग माई एंट्रेंस सो बाय दट अदर थिंग वेन एवर यू गैट अ चांस वॉट एवर चांस गो वर्क इट विल हैव कंपाउंड इंटरेस्ट दट यू कैन नॉट इमेजिन नाउ आई नेवर थॉट मेरा वर्क एक्सपीरियंस मुझे कॉलेज के एंट्रेंस में बेनिफिट देगा बट माई डीन वॉज मोस्ट इंप्रेस नॉट बाई माई स्कोर माई स्कोर्स वर एवरेज बिकॉज पढ़ाई लिखा में अपना हाथ तंग था शुरुआत से सो एंट्रेंस का एग्जाम वॉज ओके बट द फैक्ट दैट सी सेट इन माई बच यू आर द ओनली वन हुज वर्क फाइव इयर्स हुज़ मैनेज अर टीम ऑफ पीपल आई थिंक यू ब्रिंग अ ग्रेट मिक्स टू माई दिस बच एंड देर फॉर आई वॉज एसेप्टेड इन द प्रोग्राम एंड द क्वेश्चन दट आई वॉज आस्किंग माई सेल्थ दट टाइम वॉज आई एम गेटिंग दैलरी बट एम आई पार्शली एटलीस्ट इन्जॉइंग वट आई एम डूइंग एंड आई

बिकॉज इट्स द ओनली यूनिवर्सिटी विच इज डायरेक्टली एफिलियेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट समथिंग दट मोस्ट पीपल डोट नो इकलौती यूनिवर्विटी है जो डायरेक्टी मिनिस्ट्री के नीचे आती है एंड बिकॉज सो मैनी पीपल वॉन्ट टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ गवर्नमेंट एज यू कैन एमजिन द काइंड ऑफ विजिटिंग फैकल्टी आई एम एंड एस बीस पुट टूगर कैन ओनली ड्रीम ऑफ़, बिकॉज पीपल हु वॉन्ट टू बी इन ग्रेट बुक्स ऑफ सीनियर लीडरशिप एट गवर्वेन्ट आर दू डाइड टू कम देर सो वी हैड अ इनक्रेडिबल फैल्टी इनक्रेडिबल लर्निंग एक्सपीरियंस अगेन आई हैव एक्सपीरियंस अ रेगुलर कॉलेज बट इट इज अ वन ईयर प्रोग्राम सो आई रियलाइज दट उतना ही सेविंग है उसके बाद दोबारा कुछ करना है सो एक साल कर सकते हैं एफोर्ड सो दट वॉज अ वन ईयर फुलटन आई एम सी एंड चेंज फ्रॉम

इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ ऑप्शन जो आपकी अपनी रियलिटी में कभी नहीं आते लाइक मी गोइंग टू आई एम सी एंड आई वेंट देयर बिकॉज आई वॉज डिसाइडेड कि मुझे पी आर एजेंसी स्टार्ट करनी है डेली uh, में आई हैड मेड सम फ्रेंड्स विद यू नो लगजरी सर्किट एंड आई रियलाइज पी आर में इन पैसा है एंड आई वॉज इंटरेस्टेड इन सोशल मीडिया मार्केटिंग देन आई रियलाइज दैट अगला लैग ऑफ पी आर पब्लिक रिलेशन न फेसबुक से होने वाला है बिकॉज फेसबुक वॉज इन एंड दिस इज़ टू थाउजेंड टेन फेसबुक वॉज लाइक द हॉटेस्ट शिट फेसबुक के पेज कैसे बनाना है प्रोफाइल कैसे बनानी दट वॉज एवरी थिंग दैट वॉज दैट वॉज एंड टू एंड ऑफ सोशल मीडिया राइट एंड आई वज एन अर्ली अडॉप्टर टू डू इट फॉर बिजनेस नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ एंड आई रिलाइज दैट एवरी टाइम आई 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 यूज टू वॉक अप टू इवन लेजेंडरी पीपल लाइक बाई दट पीपल लाइक रघुविंद राठौर दीज आर द टॉप ब्रांड्स इन लग्जरी सेलिंग बाई द वे जे जे वालाया सम ऑफ दीज गाइज इनके क्लाइंट्स थे यू एस में एन आर आई और उनको रियलाइज हुआ कि यार जो मेरे करंट मोड्स ऑफ मैगजीज में एड डलवाना है ये सब है हम एनआरआईस को हिट नहीं कर पा रहे हैं एंड दिस इज वैन आई लर्न थ्रू सम मीटिंग्स आई वॉज पार्टनरिंग विद समन कि यार ये तो इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ धंधा है यहाँ पे पी आर का कोर्स करते हैं अपनी एजेंसी चालू करते हैं बट लाइफ है डिफरेंट प्लान इन द मोमेंट आई एंटर द यूनिवर्सिटी द इन सेम बैकग्राउंड ऑफ पीपल दैट यू मीट देयर इन द प्रोग्राम एंड यू नो यू थिंक ओ एंकर भी बन सकते हो न्यूज़ का अच्छा यहाँ से लोग जाते हैं ओर oh, शिविर जी न्यूज़ पर जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ के एल्यूम हैं और यू फाइंड कि सम ऑफ द मोस्ट सीनियर साउंड डिजाइनर्स एडिटर्स मूवी कौन एडिट करता है कभी सोचा है मूवी के एरेटर कौन है कटिंग एज मूवीज़ देखते हो इंडिया में सभी आ रही है वो कौन एडिट कर रहा है मूवीज़ कहाँ से कोर्स करते हैं वो इंटरेस्ट होगा लेकिन कभी दिमाग ही नहीं लगाया सो वन आई मेट देर आई जस्ट रियलाइज ओ माई गॉड एंड आई वॉज जस्ट गेटिंग मोर एंड मोर इन्फैचुएट द आइडिया ऑफ सेंइंग टी वी और मूवीज़ यहाँ से जाती हैं एंड माई बिगेस्ट इनफैचुएशन वॉज द फैक्ट दैट ये इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर अच्छा बनाओगे तो इंस्टेंटली पूरा भारत कंज्यूम करता है